कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश के नाम से तुड़वाया अनशनकारी का अनशन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सोमवार को जिला मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित जिला चिकित्सालय में भर्ती प्रवीण काशी को मिलने पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारी प्रवीण काशी को जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया और कहा, गणेश स्वयं आपके पास आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। जिला अस्पताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वे प्रवीण की जमानत देकर पुरसाड़ी जेल में छुड़वाएंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आई तो राज्य आंदोलनकारियों के मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वर्ष 2018 में गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग पर गैरसैंण में चले आंदोलन के दौरान 38 आंदोलनकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें प्रवीण काशी भी शामिल थे। तब प्रवीण काशी ने 14 सितंबर को कर्णप्रयाग में न्यायालय में अपना आत्मसमर्पण किया था और 19 सितंबर को पुरसाड़ी जेल की बैरक में ही गैरसैंण को स्थायी राजस्थान घोषित करने की मांग पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 20 सितंबर को तबियत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। तब से प्रवीण जिला अस्पताल में भी आमरण अनशन कर रहा है। सवाल यही पर हम उत्तराखंड के युवा आज बेरोजगार क्यों है, उसकी वजह यह है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन हमारा जो मानना है पूरी कैबिनेट को करवाना होगा। आप अगर सत्ता में आते हैं इस बात का भरोसा ऐसा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना मैंने मेरा सबसे पहले स्टेटमेंट क्या था, मेरा मकसद है कि हम सरकार में आएंगे तो मैं उत्तराखंड के बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारा 5 साल का कार्यकाल आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं जो अपने हक की बात कर रहे हैं उनको जेल में डाल रहे हैं। उन्होंने हमारी बातों को अनसुना किया। डबल इंजन की डबल थ्रस्ट, डबल इंजन की हमारे टैक्स को